हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये क्या है? ये है मीटर वर्म स्प्लेंडर का। ठीक है, हमारे गाड़ी में तीन पार्ट्स होते हैं मीटर के। ठीक है, पहला है मीटर वर्म, ये जो चक्के में लगा होता है। दूसरा है मीटर केबल, जो हमारा जॉइंट का काम करता है बीच का। और तीसरा है हमारा मीटर। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हमारे गाड़ी का मीटर ख़राब होता है, मतलब मीटर बंद होता है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ ख़राब होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर ये हमारा मीटर वर्म ही ख़राब होता है स्प्लेंडर का। तो इसमें क्या होता है, जब ख़राब होता है तो या तो ये यहाँ से घिस जाएगा, या तो फिर जैसे आप देख सकते हो यहाँ से घिस चुका है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स से ज़्यादातर घिसते हैं। ठीक है, या तो ख़राब नहीं होता ये वाला, ये दोनों ही पार्ट्स घिसते हैं ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, फिर से हम नया डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये रॉक का है, इसको हम फिर से नया डाल देते हैं। तो ये हमारा कुछ दिन तो चलता है अच्छे से, लेकिन फिर से ये वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक और ऑप्शन ढूंढ निकाला है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है कि आप पहली सर्विस में इसको डाल रहे हो, लेकिन दूसरी सर्विस आते तक आपका ये फिर से ख़राब हो जाता है, बार बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मीटर का, कि हमारी गाड़ी का मीटर वर्म ही ख़राब हो रहा है बार 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 बार, तो आप क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो ये STA का मीटर वर्म। ठीक है, तो ये जो है आपको दिखा दूँ इसको अनबॉक्सिंग करके। तो देखिए ये कुछ ऐसा आता है, इसके अंदर पन्नी भी आती है। इसको हम ऐसे खोलते हैं, ये देखिए ऐसे खोलते हैं अपन, इसको अलग कर देते हैं कवर को। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है देखते हैं। इधर से एक साइड से खुला रहता है, मैं अभी इसको फाड़ दिया हूँ, तो मैं इसको निकाल देकर दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो पहली बात ये देखिए, ये हमारा मीटर वर्म सीट। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें लगा था प्लास्टिक के, ये सभी प्लास्टिक के है। तो इसमें देख सकते हो आप, ये लोहे का है, ये वाला जो है, ये वाला ये लोहे का है, ये भी लोहे का है। और इसमें ये एक वाला आती है हमारा जो है ये, ठीक है, वॉशर नीचे का, इसमें भी वॉशर आता है। ठीक है, इसमें भी वॉशर आता है, इसमें भी वॉशर आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वॉशर इसमें भी और इसमें भी। लेकिन बाकी जो ये पार्ट्स देख सकते हो आप, मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ, पूरा पैक है अभी, इसकी पन्नी में फाड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पन्नी मैंने फाड़ दिया है, इसको निकाल देते हैं बाहर फटाफट से। ये देखिए देखिए एकदम ब्रांड न्यू है। ठीक है, और इसको मैंने ये निकाल दिया पन्नी इसकी, ये पन्नी मैं दूर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे कि हमारा ये था, ये प्लास्टिक का था, ये लोहे का है, ये भी प्लास्टिक का था, लेकिन ये भी लोहे का है। इसके पीछे जैसे कि ये प्लास्टिक का था, तो इसमें भी ये प्लास्टिक का है, इसमें वॉशर भी आती है, उसमें भी वॉशर आती है। लेकिन बात यह है कि ये जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है, और ये जो है जल्दी ख़राब होता है। तो अगर आपकी गाड़ी में मीटर वर्म की प्रॉब्लम आती बार बार, मीटर वर्म जल्दी ख़राब हो रहा है, तो आप जो है ये मीटर वर्म लोहे का, इसको आप डाल सकते हो। जैसे कि हम नया मीटर वर्म डालते हैं प्लास्टिक वाला, तो ये हमको पड़ता है अप्रॉक्स 40 रुपये में पड़ता है लमसम। ठीक है, ये लिखा है MRP, ये MRP पुरानी MRP है। तो फ्रेंड्स बता दूँ आपको कि ये हमको 40 रुपये पड़ता है लमसम। लेकिन अगर आप STA का डालते हो तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ये बाबा ख़राब होगा नहीं, लंबी सर्विस देगा। तो इसकी MRP देख लेते हैं कितना है। तो इसकी MRP किधर गई, इसकी MRP ये रही इसकी MRP, देख सकते हो आप, इसकी होंडा शाइन में भी लग सकता है ये। तो ये इसकी MRP जो है फ्रेंड्स, जब देख सकते हो आप, इसकी MRP है 70 रुपये। ठीक है, तो ये जो है होंडा शाइन का है, मैं आपको बताने के लिए निकाला था। तो फ्रेंड्स स्प्लेंडर में आता है, डिलक्स में आता है, सब में आता है, ऐसी लोहे का वर्म आता है, एक्टिवा में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गाड़ियों में लोहे का वर्म भी आता है, लेकिन ये आउटर मार्केट होता है। ठीक है, ये भी हम लेते हैं वेरॉक कंपनी का, ये अच्छा है, नाम अच्छा है इसका, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है जल्दी ख़राब होता है। देखिए इसे देख सकते हो, ये प्लास्टिक का, मेरे पास ज़्यादातर मीटर वर्म जो है सभी जो प्लास्टिक के है वो वेरॉक के ही है, लेकिन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो कस्टमर बोलता है कि भैया भैया पैसे का टेंशन मत लीजिए, लेकिन सामान अच्छा डालिए, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोहे का डाल दीजिए ये वाला मीटर वर्म, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये साइन के लिए है, स्प्लेंडर के लिए भी आता है। ठीक है, स्प्लेंडर के लिए भी आता है, सभी गाड़ियों के लिए ऐसा आता है लोहे का। तो दिखा देता हूँ आपको मैं, और तो फ्रेंड जैसे कि साइन का था, मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी बस ऐसे है अवेलेबल। तो देखिए ये है सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का है, ये 60 रुपये का आता है। ठीक है, ये होंडा शाइन का, जैसे कि मैंने अभी खोल के दिखाया आपको, ये शाइन का था। ठीक है, और एक्टिवा में भी आता है ऐसा, देखिए एक्टिवा ओल्ड मॉडल,
ठीक है, ये भी 70 रुपये का है। तो फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा लेते हो जानवर को, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप माल लेते हो ठीक है, तो आपको ये कम रेट में पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कस्टमर है, आपके पास एक ही गाड़ी है, आप एक ही लूँगे, तो आपको ये इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट होना मुश्किल है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, आपका सामान बाबा ख़राब नहीं होगा, गाड़ी भी बहुत अच्छी चलेगी ठीक है, बाबा की झंझट खत्म हो जाएगी। एक बार डालोगे महीने महीने चलता है, सालों साल चलता है ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।